हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें वरना आपसे फास्ट अनलाइक वाले निकल जाएंगे। तो आज हम आपको एक बहुत ही प्यारी सी तोरण बनाना बताएंगे, आप इसको झालर भी बोल सकते हैं। तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में लेकर आएंगे। फर्स्ट पार्ट में हम आपको इतना बताएंगे, ठीक है, हमने पट्टी बनाई है, गेट की पट्टी है। तो आज हम आपको इतना बनाना बताएंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर वेलकम लिख रखा है, आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं या फिर सादा पट्टी भी बना सकते हैं। अब तक की सबसे सुंदर झालर है। अगर आपको क्रोशिया चलाना नहीं आता है, सलाइयों से भी बुनना नहीं आता है, तब भी आप आराम से इसको बना सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे। हमने बहुत छोटे पर बनाई थी ये झालर, और काफ़ी टाइम से बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम झालर बनाना बताएं, झालर बनाना बताएं। तो आज हम आपको वाली झालर बनाना बताएंगे। अभी तक आपने किसी भी चैनल पर वीडियो नहीं देखी होगी, अब हो सकता है आ जाए। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये फूल बनाना बताएंगे कि फूल कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो एकदम गेंदे के फूल का लुक आता है जब आप इसको ना बनाने के बाद अपने गेट पर लगाएंगे, तो एकदम गेंदे का ऐसा लगता है गेंदे के फूल की आपने रेडीमेड मंगा रखी है, बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हम आपको ये फूल बनाने बताएंगे। तो इसके लिए हमें क्या, दो कलर की हमें ऊन लेनी है। येलो कलर की आपको 200 ग्राम लेनी है और मेहरून वाली 150 ग्राम ऊन लेनी है। अब फूल हम बनाएंगे, क्रोशिया हमें यूज़ नहीं करना है, सलाइयाँ यूज़ नहीं करनी है, तो हमें पेंसिल लेनी है। और पेंसिल को हम देखिए क्या करेंगे, इसके लिए देखिए हम धागे को इस तरीके से पेंसिल पे रखेंगे और इसको इस तरीके से पकड़ लेंगे, दूसरी तरफ भी हमें इस तरीके से पकड़ना है, ठीक है। अब हमें ऊन को इस तरीके से लपेटना है, ठीक है, और अब इसको नीचे कर दिया, फिर से हम लपेटेंगे। तो आप ना इसको काउंट कर लें, हम 50 बार लपेटेंगे, वरना आपके क्या होगा छोटे बड़े फूल हो जाएंगे। एक साइज के हमें फूल रखने हैं, तो 50 बार, 60 बार या 40 बार आप अपने हिसाब से लपेटें, बट हम 50 बार इसको इस तरीके से करेंगे। पचास बार लपेटने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस धागे को निकालेंगे, ठीक है, और इस वाले धागे को खींचेंगे थोड़ा सा, इस तरीके से करके इस धागे को इसके अंदर करेंगे, को सबको एक साथ पकड़ के निकाल देंगे, ठीक है। निकालने के बाद अब इसको हम इस तरीके से अंगूठे को रखेंगे और इसको खींच लेंगे, इस वाले धागे को हम खींच रहे हैं, छोटे वाले धागे को, ठीक है। अब हम इसमें नॉट बना देंगे और उस ऊन को कट कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमें बनाना है। अब हम आपको एक फूल और बना के दिखाएंगे मेहरून कलर से, तो उसमें भी हमें सेम तरीके से बनाना है जैसे अभी हमने बनाया था, सेम तरीके से बनाना है। मेहरून कलर की ऊन से भी हम सेम तरीके से बनाएंगे, पेंसिल पर ऊन को इस तरीके से लेंगे, इस तरीके से पकड़ा हमने, और 50 बार हम इसमें इस तरीके से लपेटेंगे। हमने येलो कलर के बनाए थे, सेम वैसे ही हमें बनाने हैं। 50 बार इसको इस तरीके से लपेटेंगे और नीचे करते जाएंगे। उसके बाद देखिए हमें फिर से धागे को निकालना है, इस धागे को निकालने के बाद फिर इस वाले धागे को खींचेंगे और इसके अंदर डालकर तरीके से निकाल दिया, इसको भी खींचकर हम नॉट बना देंगे और उनको कट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। हमें दोनों कलर के सेम तरीके से फूल बनाने हैं। हम फूल बनाने के बाद आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। हमने यहाँ पर फूल बना लिए हैं, ठीक है, इस तरीके से हमने फूल बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमें बुकरम की ज़रूरत होगी। ये बुकरम है, आप लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोग कपड़े सिलते हैं ना, तो बुकरम की यूज़ करते हैं, इसी तरीके से हमने बुकरम ले रखी है। अब इसको हम कट करेंगे, तो जितनी भी चौड़ी आपको पट्टी रखनी है उस हिसाब से आप कट करें। तो हम कट करने के बाद अभी आपको दिखाते हैं, देखिए इसको हम फोल्ड करेंगे और जितनी चौड़ी हमें पट्टी रखनी है उस हिसाब से हम कट करेंगे। कट करने के बाद हमने इसको कपड़े पर सिल लिया है। पहले आप जितनी पतली आपको पट्टी रखनी है उतनी कट कर लें, और जितना लंबा आपका गेट है उसके हिसाब से आप कट करें। उसके बाद आप कपड़ा इस पर चढ़ा दें, सिलाई मशीन से सिलाई कर लें। उसके बाद हमने यहाँ पर वेलकम लिख रखा है, आप चाहें तो सादा पट्टी भी छोड़ सकते हैं या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वेलकम लिख रखा है, तो इस हिसाब से आपको लिखना है,
एक बराबर होना चाहिए। अब इसमें हम फूल को अटैच करेंगे, जैसे हमने बेल लिखा है तो यहाँ पर मेहरून कलर से हमें लिखना है वेलकम, और इस तरीके से देखिए वेलकम लिखना है। इस तरीके से हम अटैच करेंगे सुई से, डबल धागा डाल लें मेहरून कलर का, उसके बाद हमें इसको सिल के, आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर मेहरून कलर का धागा डाल दिया है, तो इसको हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए अभी दिखाते हैं। इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। जब आप लोग लगाना स्टार्ट करेंगे सिलाई तो आपके समझ आ जाएगा। और बुकरम के ऊपर कपड़ा इसलिए हमने बताया क्योंकि एक तो अच्छा लगेगा देखने में, जितने भी धागे धागे नहीं दिखेंगे। दूसरी बात, अगर आप धोएंगे तो बुकरम क्या होती है, वो बहुत जल्दी मुलायम पड़ जाती है। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से कपड़ा चढ़ाएंगे तो थोड़ा सा टाइटपन रहेगा, या फिर बुकरम की जगह आप जो वो होते हैं ना टाइट वाले सीमेंट जिसमें आता है वो कट्टे होते हैं, वो भी उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें लिखेंगे। देखिए आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर बेल लिखना है, तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली। अब हम ई बनाएंगे, डब्लू हो गया, अब ई बनाएंगे, ई लिखेंगे। ई में भी हमें सेम तरीके से इस तरीके से सिलाई लगानी है, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, तो हम लिखने के बाद आगे आपको दिखाएंगे पूरा, हम लिख कर वेलकम लिख कर फिर आगे आपको दिखाएंगे कि क्या करना है। तो हमने देखिए ई भी लिख लिया, अब हम एल लिखेंगे। देखिए कपड़ा हमने चढ़ाया है तो इससे क्या है, धागे नहीं दिख रहे हैं। अगर आप खाली बुकरम रखेंगे तो बहुत ज़्यादा धागे दिखेंगे। अब हम पूरा लिख लेंगे, उसके बाद आगे आपको बताएंगे आगे क्या करना है। सिंपल है सिलाई, जब आप लोग लगाना स्टार्ट करेंगे तो आपके समझ आ जाएगा। और हमने एक दो वीडियो और डाल रखे हैं तोरण की, अगर नहीं देखे हैं तो उनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। एक हमने मोती वाला तोरण बनाया है, काफ़ी सारे लोगों ने पसंद किया है, तो वो वीडियो ज़रूर देखें, उसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे। और लास्ट में हम आपको बता देंगे किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन कैसे चेक करते हैं, वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर पूरा लिख रखा है, वेलकम लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए वेलकम हमने यहाँ पर लिख लिया है। हम येलो कलर के जो हमने फूल बनाया उसको हम इसमें भरेंगे। तो कैसे भरना है, देखिए सिलाई लगानी है, जैसे अभी हमने सिलाई लगाई थी सेम तरीके से हमें सिलाई लगानी है इसमें। देखिए इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है, देखिए इस तरीके से हम पूरे में येलो कलर के फूल भर लेंगे। जब आप लोग बनाएंगे तो आपके समझ आ जाएगा। कि इस तरीके से हमें फूल को अटैच करना है इसमें, जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपके समझ आ जाएगा। इस तरीके से हमें येलो कलर के फूल को हम भर लेंगे, फिर आगे आपको दिखाते हैं। इसी तरीके से फूलों को भरना है, सारे फूल हमने भर लिए हैं और सिलाई लगाते जाना है, अच्छे से मजबूत करके सिलाई लगाएं। तो इतना बन गया है, देखिए डब्ल्यू ई एल लिखा है यहाँ पर, और फिर हमने थोड़ा सा स्पेस दिया है, फिर सी ओ एम ई वेलकम लिखा है, और यहाँ पर बहुत प्यारी सी पट्टी बन गई है। अब इसके आगे हम आपको आगे का वर्क दिखाएंगे दूसरे पार्ट में। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेसबुक पर मुझे ज़रूर फॉलो करें। तो देखिए किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन कैसे चेक करते हैं, जैसे कोई भी वीडियो चल रहा है तो उसके साइड में आप देखेंगे तो एक छोटा सा बटन दिखेगा, देखिए इसके साइड में बटन दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो जो बॉक्स खुलेगा उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स बोलेंगे, और यहाँ पर आपको पार्ट टू मिल जाएगा, और जो हम मोती वाला तोरण बोल रहे थे वो भी मिल जाएगा। या फिर आप चैनल पर जाएँ, देखिए ऑल को टच करेंगे चैनल ओपन होगा, फिर वीडियो में जाके आप देखिए वीडियो में जाएंगे तो यहाँ पर आपको और भी वीडियो मिल जाएंगी, मोती वाला तोरण का वीडियो भी मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो के लास्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, मुझे फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करें। बाय।